विटामिन ई आपके बालों की मजबूती और स्किन की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है जो स्किन और बालों के विकास के लिए संजीवनी की तरह काम करता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में खराब इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल्स की सफाई करता है। फ्री रेडिकल्स के कारण स्किन डैमेज होने लगती है और स्किन सेल्स में विकृति आने लगती है। इसमें कई तरह की अन्य बीमारियां भी होती हैं। विटामिन ई शरीर में इम्यून फंक्शन को भी बढ़ाता है और हार्ट की आर्टरी में क्लॉट बनने से रोकता है। बालों के लिए विटामिन ई का होना बहुत जरूरी है, वरना बाल बेजान और रूखे हो जाते हैं और अंततः टूटने लगते हैं। विटामिन ई की कमी से स्किन संबंधित विटिलिगो, सोरिएसिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस और कील मुहासे जैसी बीमारी होती है। विटामिन ई की शरीर को कितनी है जरूरत? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक 14 साल से ऊपर के व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 15 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत होती है। हालांकि दूध पिलाने वाली माँ को विटामिन ई की ज्यादा जरूरत होती है, उसे रोजाना 19 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत होती है। कौन सी चीजों से मिलता है विटामिन ई? सनफ्लावर सीड्स और तेल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक सूरजमुखी के तेल या बीज में विटामिन ई की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। सनफ्लावर सीड्स के अलावा सोयाबीन के तेल में भी विटामिन ई खूब पाया जाता है। बादाम या आलमंड पोषक तत्वों का खजाना है। आलमंड में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसके साथ ही बादाम में मोनोसैचुरेटेड फैट, फाइबर, बायोटिन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे कई तरह के तत्व होते हैं जो बाल और स्किन को पोषण देता है। बादाम को आप पानी में भिगोकर भी सेवन कर सकते हैं। पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज आज के जमाने का सुपर फूड है। सर्दी में इसके कई फायदे हैं। विटामिन ई के अलावा प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन B6, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। कद्दू के बीज बाल स्किन को फायदा पहुंचाने के साथ साथ डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। लाल शिमला मिर्च किसी दवा से कम नहीं है। लाल शिमला मिर्च विटामिन ई और विटामिन सी से भरा होता है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन से फ्री रेडिकल्स का सफाया करता है। लाल शिमला मिर्च का सेवन करने से बालों में मजबूती आएगी और चेहरे पर चमक आएगी। एवोकाडो के बारे में आमतौर पर लोग हार्ट के लिए फायदेमंद मानते हैं, लेकिन एवोकाडो स्किन और बालों के लिए भी बेजोड़ पोषक तत्वों का खजाना है। एवोकाडो में मोनोसैचुरेटेड फैट, फाइबर, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फॉलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो बालों को पोषण और स्किन में ग्लोनेस लाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर जानकारी पढ़ सकते हैं और उसी के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही नॉलेज से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और याद रखिए, आयुर्वेद ही जीवन है, जीवन ही आयुर्वेद है।